हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हैं? इस नवरात्रा में मैं कहीं तीर्थ स्थल लाई हूँ और मैं यहाँ एक माता के दर्शन करने आई हूँ, और इस वीडियो में आप भी बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि मैं कौन से स्थल पे आई हूँ। यहाँ पे मैं अपने पति के साथ आई हूँ और मैं हमारे साथ दो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं जो आप लोगों ने नहीं देखा है। आज मैं उनसे भी आप सबको मिलवाऊँगी। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? तो तालाब है के बारे में, लेकिन ये तालाब जो है सीता कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसमें माँ सीता का जन्म हुआ था, और ये आज एक तालाब का रूप ले चुका है जिसे 88,000 ऋषियों ने खोदा था अपने इन हाथों से। तो चलिए आज आपको मैं माई के, जिसे आज पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। हम लोग इस तालाब का परिक्रमा कर रहे हैं अभी, तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और आप भी साथ साथ इस ब्लॉग का आनंद उठाएं। देखिए, ये हम सीताकुंड का परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ का जो तालाब का जो दर्शन है वो कुछ इस तरीके से है। मैंने आप सबको बताया था कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ माता के दर्शन के लिए, तो मैं उनसे मिलवाना चाहूँगी आप सबको। ये है मेरी मम्मी जी, मेरे पापा जी, बहू है, मेरे पोता है, ये है हमारी पूरी फैमिली। जय माता दी, जय माता, जय माता। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिए, बजाइए, मेरे बच्चों को सपोर्ट कीजिए। बाय। सामने से मंदिर कुछ इस तरीके से दिखता है। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे तन मा, माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे तन मा, कार कार माँ सीता का जन्म हुआ था।